इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप पोको C31 की मोबाइल फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कैसे कर सकते हैं हॉटस्पॉट से। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। इसके लिए आपको जाना है पोको C31 मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में, और यहाँ पर नीचे अगर आपको यहाँ वाईफाई पर क्लिक करना है, और सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको अपने वाईफाई को ऑन कर लेना है। वाईफाई के साथ वाली सेटिंग यहाँ पर क्लिक करके वाईफाई देखिए हो जाएगा ऑन, और आपको जिस मोबाइल फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है उस मोबाइल फ़ोन में आप जो है हॉटस्पॉट को लीजिए ऑन कर, तो यहाँ पर आपका वाईफाई उस मोबाइल फ़ोन के हॉटस्पॉट को सर्च कर लेगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के वाईफाई ने हमारे दूसरे मोबाइल Realme 3 Pro के हॉटस्पॉट को यहाँ पर सर्च कर लिया है। अब देखिए वाईफाई को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ वाईफाई नेम पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको उस मोबाइल फ़ोन के हॉटस्पॉट का पासवर्ड आपको डाल देना होगा। तो चलिए मैं जो है यहाँ पर अपना Realme 3 मोबाइल फ़ोन के हॉटस्पॉट का पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है अपने Realme 3 Pro के हॉटस्पॉट का पासवर्ड डाल दिया है। डालने के बाद आपको यहाँ कनेक्ट पर क्लिक कर देना है, तो फिर आपका वाईफाई उस मोबाइल फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो चुका है। इस तरीके से आप पोको C31 मोबाइल फ़ोन में वाईफाई को हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।